आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीमेल में या ईमेल में सीसी और बीसीसी का मतलब क्या होता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है, किन परिस्थितियों में ईमेल को लिखा जाता है। वर्तमान समय में ऐसा देखा गया है कि आप जब किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं पत्र ले आवेदन पत्र देकर, तो वो आपको रिसीविंग देने से कतराते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए कि वेबसाइट से, इंटरनेट से, गूगल से, कहीं से भी हो, आप उस अधिकारी के उस कार्यालय का ईमेल रिसर्च करें, ईमेल को खोजें, और उसके बाद ये बहुत बड़ा हथकंडा आपके लिए लेकर आता है जो ये ईमेल है। ईमेल के माध्यम से आप जब उन तक पहुंचा देंगे तो आपके आवेदन का हर हाल में उनका अनुपालन करना होगा, और सबसे बड़ी बात जो है वो आपको रिसीविंग बहुत बड़ा मिल जाता है। कोई भी अधिकारी रिसीविंग नहीं देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसी स्थिति में आप मायूस हो जाते हैं कि मैं किस प्रकार से रिसीविंग लूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है कि जिसमें आपको हर हाल में रिसीविंग की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि ईमेल कैसे किया जाता है, और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, टीओ क्या है, कंपोज ईमेल क्या है, ये अपना आवेदन को उसके साथ सबमिट कैसे करें, एक से अधिक पदाधिकारी को प्रतिलिपि बनाकर जो रजिस्ट्री के माध्यम से आप भेजते हैं, वो पलक झपकते आपके मात्र एक उंगली के इशारे से तमाम अधिकारियों तक कैसे आपका आवेदन पहुंच जाएगा, और उसका रिसीविंग भी आपके पास रहेगा, और एक छोटा सा ईमेल आपके एप्लीकेशन पर पूरा हलचल मचा देगा। तो आइए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं ईमेल करने के तरीके बतलाने के लिए की ओर। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अनेकों प्रकार के वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ, जिससे आपकी समस्याएँ हमेशा समाधान होते रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये ईमेल क्यों, चलिए अपने मोबाइल के ईमेल को ओपन कीजिए। अब मोबाइल के को ईमेल को जब आप ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है, हम चलिए फिर से चलते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारा ये जीमेल, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने एप्लीकेशन को किसी पदाधिकारी तक कैसे पहुंच पाएंगे, चाहे जितने भी बड़ा बड़े अधिकारी हो, आप उन तक पलक झपकते पहुंचा देंगे। तो ये मेरा जीमेल ओपन हो गया, और जीमेल ओपन होने के बाद आप देखिए नीचे की ओर दाहिने साइड में एक कलम के जैसा एक आइकॉन बना हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। इसको हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए ये यहाँ पर हमारा जीमेल ओपन हो गया, अर्थात ये ईमेल आपका जो मोबाइल में पहले से इंक्लूड है, हर सभी एंड्रॉयड फ़ोन में ईमेल रहता ही है, वो यहाँ पर शो करता है। आप इस प्रकार से फ्रॉम में आपका ईमेल शो कर देता है, उसके बाद यहाँ टीओ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद कंपोज ईमेल है, और एक बड़ी बात यहाँ पर है, ये देखिए ये जहाँ पे आप अपना कलम से लिखा हुआ एप्लीकेशन को लोड कर पाएंगे और यहाँ भेजने की प्रक्रिया है। तो आइए बारी बारी से हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपका ईमेल हो गया, जो जो आपको भरने की आवश्यकता नहीं होगी। टीओ जो है, ये टीओ में आप जिस अधिकारी को ईमेल भेजना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं, उनका ईमेल यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये ईमेल आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो किसी दोस्त से ले लें, उस कार्यालय के किसी स्टाफ से ले लें, अगर वो वहाँ न भी मिलता है तो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं, कर सकते हैं। लगभग अधिकांश जगहों पे, अधिकांश ऑफिस के ईमेल यहाँ अपलोड हैं, तो उसके माध्यम से आप यहाँ उनका ईमेल दे सकते हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा चीज़ है, अभी आपको और बताते हैं बारीकी से। यहाँ कोने में एक और आइकॉन बना हुआ है, तो यहाँ इसको ऐसे समझिए, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पे जब हमने क्लिक किया तो ये टीओ है, सीसी आ गया और बीसीसी आ गया, सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल पहले से आ रहा था, ये दो बड़ा आइकॉन यहाँ आपको शो किया। ये क्या है से देखिए, तो टीओ में आप जिसको भेजना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं, आप उन्हें दीजिए। उदाहरण के तौर पर आप डीसी को देना चाहते हैं तो उपायुक्त महोदय या जो भी होंगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, सभी राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो
वो अपने अनुसार आप यहाँ लिखें। उसके बाद ये सी सी का अर्थ होता है, सी सी अर्थ सी अर्थात कार्बन, फिर सी अर्थात कॉपी। तो इसके कार्बन कॉपी को आप उससे भी बड़े अधिकारी अर्थात सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, अगर आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं तो उन तक पहुँचाइए, उनका यहाँ पर ईमेल डालना होगा। तो एक छोटा सा ईमेल हम आपको डालकर दिखाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हमने ईमेल आपको दिखलाया gmail.com। ये कोई अधिकारी का है। दूसरा है सीसी में हम आते हैं, तो जो एप्लीकेशन हमने दिया, जैसे आपने देखा होगा कि जो एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन में प्रतिलिपि करके एक से अधिक अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश आप करते हैं, तो यहाँ आप सीसी में सेम वही एप्लीकेशन को जो भी हो आप यहाँ उनको दे सकते हैं। @gmail.com। तो इस प्रकार से, और अब यहाँ बातें आती है कि हमने सिर्फ एक ही अधिकारी को कार्बन कॉपी नहीं, एक से और अधिकारी को देंगे, मतलब कि बहुत जगहों पर मैं अपने आवेदन को पहुँचाऊँगा, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं विभाग के वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो हम इनसे ऊपर के अधिकारियों तक पहुँचाएँगे प्रतिलिपि बनाकर। तो यहाँ इस प्रकार से लिखें, लिखने के बाद एक स्पेस दें, स्पेस देने के बाद फिर से ये एक अधिकारी का हो गया, दूसरे अधिकारी को भी आप पुनः दे सकते हैं, अपने दरख्वास्त को उन तक पहुंचा सकते हैं gmail.com। इस प्रकार से उन तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद एक स्पेस दें, फिर भी भेज सकते हैं, अर्थात कुल मिलाकर 3-4-5 अधिकारियों तक आप एक बार एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो जिस ऑफिस में आपका काम फंसा हुआ है निश्चित तौर पर आपका काम हर हाल में होगा, क्योंकि आपने बहुत सारे अधिकारियों तक अपने कंप्लेन को फॉरवर्ड कर रखा है। अब बात करते हैं बीसीसी का। तो ये बीसीसी क्या है, तो यहाँ देखिए, अभी जो आपने सीसी और बीसीसी अभी आपको बतलाते हैं, इसको ध्यान से समझिए एक सेकेंड के लिए। तो यहाँ देखिए, ये जो अभी आपने सीसी को देखा, टीओ को देखा, टीओ जिनको भेजना है ओरिजिनल जगह, सीसी प्रतिलिपि कार्बन कॉपी, अब है बीसीसी। तो बीसीसी है अर्थ, ये क्या है कि सीसी मतलब आपने कार्बन कॉपी इनको कर दिया, इनकी बातें सब कोई देखेंगे, टीओ भी देखेंगे, लेकिन बीसीसी का अर्थ है कि ये छुपा हुआ रहेगा। अगर किन्हीं के पास और भी आप एप्लीकेशन अपना पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये अधिकारी ना जाने, ये अधिकारी ना जाने, ये अधिकारी ना जाने, तो जिसके पास आप भेजना चाहते हैं गोपनीय तरीके से, उनको आप बीसीसी में उनका ईमेल डालकर आप भेज सकते हैं। बीसीसी का ईमेल सिर्फ वही अधिकारी पढ़ेंगे जिनको आपने भेजा है। तो ये बीसीसी गोपनीय होता है, और सीसी जिनको जिनको आपने प्रतिलिपि बनाया है, कार्बन कॉपी भेजा है, वो तमाम पढ़ेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं ये सब्जेक्ट की ओर। तो सब्जेक्ट में आवेदन में जो आप विषय लिखते हैं, किसी भी आवेदन का जो मुख्य विषय होता है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप दें, और उसके बाद कंपोज ईमेल में अपना पूरा डिटेल जो भी है एप्लीकेशन का आप उसको टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपके पास सबूत के तौर पर अगर और भी कोई बातें हैं तो यहाँ देखिए, ये ऊपर में जो दिया हुआ है ये आइकॉन, आप यहाँ से इस प्रकार के सहारा लेकर इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आता है अटैच फाइल। तो अटैच फाइल को क्लिक करके आप गैलरी में चले जाएंगे, गैलरी से कोई भी एक फाइल को चुनकर आप ले आ सकते हैं अपने जगह पर। तो इस प्रकार से आप, मैं एक फ़ाइल उठा लिया, यहाँ पे फाइल ये देखिए थोड़ा यहाँ शो करने लगा, यहाँ जो है ये हमारा फाइल जो अभी हमने उठाया है वो यहाँ आ गया। और उसके बाद अपने सारे सबूत को कलम से अगर आपने लिखा है तो कलम से लिखे हुए, और उसके बाद अगर या तो टाइप करके आप बड़े बड़े अधिकारियों के पास जब आप भेजेंगे तो टाइप करवाएंगे, और ये सारे भरने के बाद आप यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो तमाम अधिकारियों तक आपके एप्लीकेशन पहुँच जाएंगे जहाँ आप पहुँचाना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ा फीचर है जीमेल का, जिसमें आपको कहीं नहीं जाना है, आप अपने
अपने हाथों से अपने मोबाइल के माध्यम से आप तमाम अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। रिसीविंग आपके हाथ में होगा और आपका काम पलक झपकते तुरंत हो जाएगा। तो ये है आपका जीमेल, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आपके आवेदन पर तुरंत विचार होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।